हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो जी, आपका एक और नए व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो जी, हम आए हुए हैं हमारे गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए, और आज हमारा काम जल्दी हो गया था क्योंकि हमें बाबा प्रीतम दास जी के दर्शन के लिए भी जाना है। तो पहले हम हमारे गांव वाले मंदिर में पूजा करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर संदीप जी लगा रहे हैं दिया हनुमान जी के मंदिर में, और यहाँ पर पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर फेरी लगाएँगे। अभी हम भोलेनाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पहले दिया जला लेंगे, उसके बाद जल चढ़ाएंगे, और फिर यहाँ पे भी हमें फेरी लगानी होती है। ये गांव में एक ही मंदिर है गांव का, जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं अलग अलग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर मैं सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के लिए आ गई थी, और यहाँ पर नीचे केले के पेड़ हैं जो अभी छोटे छोटे ही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे केले के पेड़ उग रखे हैं नए भी। मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आके बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, और गांव का एरिया है तो हवा भी बहुत ताज़ी आती है यहाँ पे। संदीप जी यहाँ पे पक्षियों के लिए अनाज लेके आए थे, दाने लेके आए थे गेहूँ के, और ये यहाँ पे डाल रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा अनाज पहले से भी है पक्षियों के लिए। गांव के लोग जब भी मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो अनाज यहाँ पे डाल के जाते हैं पक्षियों के लिए, और देख सकते हैं हम यहाँ पे। और अब हम जाएंगे दूसरी साइड जहाँ पे चींटियों के बिल हैं, वहाँ उनके लिए हम दलिया लेके आए थे, और आटा मिक्स था इस दलिये में, तो चींटियाँ यहाँ पे बहुत सारी निकल के आ गई हैं, यहाँ पे दिख रही होंगी आपको भी, और देखिए कितनी सारी आ गई हैं अभी। चींटियों को दलिया डालने के बाद हम चले गए घर, और घर से हम चले गए बाबा प्रीतम दास जी के दर्शन के लिए। हम बाइक पे ही गए थे, मैं, माँ चीकू और संदीप जी, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों तरफ हरियाली खेतों की, और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, धूप बहुत तेज थी, तो इसलिए ठंड अब कम हो गई है, तो हवा बहुत सुहा रही थी। और यहाँ पे आज बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, यूजुअली यहाँ पे दुकानें लगती हैं हर सैटरडे को, बट यहाँ पे अभी ये एक साल में एक बार बड़ा भंडारा किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें बच्चों के लिए बड़े बड़े झूले होते हैं, खिलौनों की बहुत सारी दुकानें होती हैं, और भंडारे में प्रसाद भी मिल दिया जाता है। तो चलते हैं अभी। अभी यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आप अगर दान करना चाह रहे हैं तो दान देकर अपनी पर्ची भी कटवा सकते हैं, या फिर दान कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े थोड़े लोगों को ही अंदर घुसाया जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो धक्का मुक्की नहीं हो इसलिए थोड़े थोड़े लोगों को अंदर भेजा जा रहा है बीच में रोक रोक के। और प्रसाद वगैरह आज नहीं चढ़ाया जा रहा है, चढ़ावा जो भी है दूध या फिर जो भी आपने चढ़ाना है वो यहाँ पर ले रहे हैं लोग, और यहाँ पे आज सिर्फ मत्था टेकना होता है, इतनी भीड़ ज़्यादा है आज। तो जी, अंदर तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम दर्शन करके सीधा यहाँ पीछे आ गए हैं जहाँ पे हनुमान जी और शनिदेव जी का मंदिर है। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा जगह में बना हुआ है, और बहुत ही खुली खुली जगह आपको नज़र आ रही होगी। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है ये, जहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं, और इसके आगे यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर है, और कुछ बाबा जी के भी बने हुए हैं, छोटे बच्चे हैं जो बाबा जी बने हुए हैं मेले में, और लोग उनके भी दर्शन कर रहे हैं और उनको दक्षिणा दे रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद पीछे जोहड़ी है, और उसमें लोग मिट्टी छाट रहे हैं, मिट्टी को छाटा जाता है, ये एक परंपरा है अपने अपने परिवार के नाम से, यहाँ पे एक एक मुट्ठी करके मिट्टी को छाटा जाता है, उनकी सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और यहाँ पे हमने मिट्टी छांट ली है, और अब साइड में भंडारा लगा हुआ है, लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे चिक्कू अपनी दादी के साथ वेट कर रही है प्रसाद का, और यहाँ पे बहुत से लोग सेवा भी कर रहे हैं। अगर किसी के पास समय है या फिर श्रद्धा है तो प्रसाद का बंटवारा करना भी एक तरह से सेवा में ही आता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रसाद लेने के बाद सेवा में लग जा रहे हैं। यहाँ पे भंडारे में हमने सब्जी पूरी और हलवे का प्रसाद लिया, उसके बाद हम आ गए मेला देखने। मेले में बहुत सारा सामान मिल रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौनों की दुकानें थी। मेला देखने के बाद हमने घर वापसी की, और इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।